हेलो पॉके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो पोकेमोन वाइट 2। पिछले एपिसोड में चार स्टोन कैप में मैंने कुछ ढूंढा था, उसमें लुकारियो से मैंने फाइट लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत लुकारियो बहुत ओपी पोकेमोन है, शायद मेरा वो टाइटल था, जाके देख सकते। देखिए ये एपिसोड में शायद मेरा फाइट होने वाला है पाँचवा जिम से, ज़रूर देखिएगा कितना मज़ेदार फाइट होने वाला है पाँचवा जिम से। चार स्टोन कैप में पूरा मैं नहीं घुमा हूँ, पूरा अच्छा तरीके से एक्सप्लोर करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा चार स्टोन केव के बारे में। चलिए पहले पांचवा जिम को हराते हैं, पहले ये सब को हराते हैं, वर्कर को। बेल्टॉय नाम है। चलिए टैकल ही इस्तेमाल करते हैं। आर्म थ्रस्ट उतना इफेक्टिव नहीं है तब से मोबाइल। चलिए फिर आर्म थ्रस्ट, अबर तो ये हो ही जाएगा, नॉकआउट हो ही जाएगा। चलिए वो नॉकआउट हो गया, ये हार चुका है। बाल्टो फेंटेड फोर और हमारा टिपिको है, सो लेवल 38 के लिए ग्रो हो गया। नया मूव सीख रहा है, इसको नहीं फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरा चारों मूव बहुत बढ़िया है, इसीलिए चारों मूव को भी नहीं सिखाएंगे, कोई नया मूव नहीं सीखने वाला है हमारा ये टिपिक जो है। ये तो इवॉल्व हो गया, इसका फाइनल फॉर्म यही है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक है इसका फाइनल फॉर्म। चलिए आगे फाइट लेते हैं, कौन आता है। ये थोड़ा पजल टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसमें उतना आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा मोड़ा है पजल, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए गाइस, जिसे मैंने हरा दिया, बहुत लंबा फाइट था, बकवास था, इसलिए आपको दिखाना जरूर है। मेन फाइट है जो जिम लीडर से, वो फाइट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, अच्छा सा दिखता नहीं है, थोड़ा पजल टाइप से इसी में आपको जाना पड़ेगा। देखिए जिम लीडर आ गया, यही जिम लीडर ही है। चलिए इससे फाइट होगा मेरा, थोड़ा बात कर लेते हैं, सेव कर रहे थे वहाँ। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। क्ले नाम है जिम लीडर का, चलिए जिसको हम लोग क्ले बना के जमा ही देते हैं। और ये जो पाँचवा जिम लीडर है वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, ये पाँचवा जिम लीडर। चलिए यूज़ करते हैं अपना फेमस मूव हीट क्रश। हीट क्रश में तो शायद नहीं बचेगा, लेकिन हीट क्रश का इस्तेमाल किया गया है वन शॉट। देख सकते हैं गाइस कितना पावरफुल है हमारा ये। इसका फाइनल फॉर्म का क्या नाम था मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो शायद कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर देखिए फिर हीट क्रश का यूज़ किए हैं। चलिए कुछ एचपी में बचा है, मतलब सिर्फ अच्छा मूव का यूज़ किया गया। चलिए थोड़ा पोकेमोन को हील कर लेते हैं, वरना हार गया तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। थोड़ा हील कर लेते हैं। चलिए हाइपर पोशन का यूज कर ली, अब तो हारना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, उसका मूव इफेक्टिव नहीं है इस बार हिट क्रश में, तो आर्म थ्रस्ट में ही शायद नहीं बचेगा ये, तो इसका बात ही कहाँ। चलिए ख़त्म हो गया डायरेक्टली, डिफीट हो चुका है, डिफीट नहीं हुआ है उसका, एक पोकेमोन बचा हुआ है एक्साड्रिल। ये पोकेमोन मुझे बहुत खतरनाक लगता है एक्साड्रिल देखने में, पर देखिए एक बार वन शॉट हो गया क्योंकि स्टील टाइप पोकेमोन है, तो एक बार में खत्म हो जाएगा। ये सुपर इफेक्टिव है इसका मूव इसके सामने। टैपिंग हमारा 39 लेवल पे ग्रो हो गया है। चलिए थोड़ा बातचीत होगा इधर, अधिक हमको मिल चुका है, ये जिम बैच मिल चुका है, ये मेरा पांचवा जिम बैच है फिफ्थ। और अब बोल रहा हूँ अब हम लेवल 60 तक का पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। चलिए आगे मिलेगा, अगर पोकेमोन ढूंढते हैं ग्रासेस में मिलेगा तो जरूर उसको ग्रैब करेंगे, अच्छा पोकेमोन मिलेगा तो। चलिए आगे देखते हैं, वेल आई सपोज कम, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे गुड डांसर एंड क्रूशियल फॉर पुटेन। चलिए चला गया कुछ बोल के, बक बक करके जा चला गया। रॉकेट यहाँ क्या कर रहा है? यू गॉट अ जिम बैच टू, आई न्यू, बोल रहा तुमको जिम बैच मिला, बोला हम जानते हैं ये बोल रहा है। चलिए यहाँ बक बक हो रहा है, आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा रोक के पढ़ सकते हैं।
थोड़ा अगर रुक के देखेंगे तो क्या क्या बोला, वाट एवर, थोड़ा ये बकबक था इसलिए यहाँ गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए थे, इसलिए थोड़ा फटाफट लिखा हुआ पार हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन इसके बाद यही बोल रहा है कि तुम्हें टूर्नामेंट में फाइट लेना, टूर्नामेंट वो डिसाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगला एपिसोड उसी पे होगा, टूर्नामेंट पे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए आप चैनल पे सपोर्ट दिखाते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी।